इसके पहले आरजेडी के जो माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, डेढ़ साल फुल उन्हीं के पास ये सब ग्रामीण कार्य विभाग था और सड़क निर्माण का विभाग भी उन्हीं के पास था। इसीलिए उचित जवाब तो वही देंगे, क्योंकि डेढ़ साल से पुल ऐसा है कि पुल का निर्माण तो अभी एक महीना डेढ़ महीना में हुआ नहीं है और जो पुल गिरे हैं वो सिर्फ एक पुल का निर्माण में कहीं ना कहीं कोताही समझी जा सकती है और उस पर जांच कमेटी गठित है और मैं समझता हूं कि वो जांच एक हफ्ते के अंदर आ जाएगा। ऑलरेडी उस पर हम लोगों ने 3 अभियंताओं को निलंबित किया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान को लेकर सियासी घमासान छिड़ गई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से हिंदू को लेकर राहुल गांधी ने बयान दिया है उससे सियासी सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, तो वही सत्ता पक्ष इस बयान को लेकर राहुल गांधी को और विपक्ष को घेर रही है। इस पूरे मामले को लेकर बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी की प्रतिक्रिया सामने आई है। राहुल गांधी के उस बयान पर पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं जिस बयान में राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदू सिर्फ हिंसा करना जानता है। इस पर जबरदस्त पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं अशोक चौधरी और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हिंदू सिर्फ प्रेम फैलाना जानता है, हिंदू कभी भी हिंसा नहीं कर सकता। इसी के साथ साथ पुल हादसे मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं अशोक चौधरी और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके कार्यकाल में ही डीपीआर तैयार किया गया था, तो इसमें तेजस्वी यादव भी जवाबदेही है, तेजस्वी यादव भी जवाब दे सकते हैं। इसी के साथ साथ तमाम मुद्दों को लेकर किस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को घेरते हुए नजर आ रहे बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी, पहले आप यह पूरा बयान सुने। तो हमेशा कहा गया है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण। इसीलिए हिंदुत्व जो है वो तो प्रेम बढ़ाने वाला धर्म है, इसलिए ये कहना उचित नहीं है कि हिंदुत्व जो है वो हिंसा को बढ़ाता है। ये फूल जो लगातार गिर रहे हैं, आरजेडी सवाल खड़े कर रही है। देखिए, ऐसा है कि मात्र अभी हमको एक महीना हुआ है, डेढ़ महीना पुल को विभाग को संभाले हुए, इसके पहले आरजेडी के जो माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, डेढ़ साल फुल उन्हीं के पास ये सब ग्रामीण कार्य विभाग था और सड़क निर्माण का विभाग भी उन्हीं के पास था। इसीलिए उचित जवाब तो वही देंगे, क्योंकि डेढ़ साल से पुल ऐसा है कि पुल का निर्माण तो अभी एक महीना डेढ़ महीना में हुआ नहीं है और जो पुल गिरे हैं वो सिर्फ एक पुल का निर्माण में कहीं ना कहीं कोताही समझी जा सकती है और उस पर जाँच कमेटी गठित है और मैं समझता हूँ कि वो जांच एक हफ्ते के अंदर आ जाएगा। ऑलरेडी उस पर हम लोगों ने 3 अभियंताओं को निलंबित किया है और जो ठेकेदार है उनके ऊपर भी हम लोगों ने FIR का निर्णय किया है, लेकिन हम लोग रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। और बाकी जो पुलों का है वो कुछ पुल MPLAD फंड का है और कुछ पुल ऑलरेडी हम लोगों ने विभाग ने लिखा हुआ है कि इसकी हालत जर्जर है, इसको बना दिया जाए, लेकिन वो जस्ट चुनाव के पहले उन्होंने लिखा था। हम समझते हैं उस सब पर कार्रवाई हो रही है। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है और साफ तौर पर पुल हादसे मामले को लेकर कहते हुए नजर आए कि तेजस्वी यादव को जवाब तो देना ही चाहिए। इसी के साथ साथ पुल हादसे मामले को लेकर कहते हुए नजर आए कि एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट आ जाएगी, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पुल हादसे को लेकर भी बड़ा बयान देते हुए नजर आ रहे थे, तो साथ ही साथ राहुल गांधी पर भी जोरदार पलटवार करते हुए नजर आए बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी, और क्या कुछ कहा सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।